हेलो हेलो वीडियो देखने वालों, चैनल भूकास्तान के शौकीन शेफ में आपका स्वागत है। और आज हम बनाने वाले हैं स्ट्रीट फूड स्टाइल चिकन। जी हाँ, यूज़ तो हम आज फ्रोज़न वाला चिकन सीख करेंगे, क्योंकि भाई मन नहीं है, बाहर लॉकडाउन है और दिस इज़ नॉट द राइट टाइम कि भाई एक चीज़ एक मटन चिकन लेने के लिए बाजार जाया जाए। तो फ्रोज़न चिकन सीख कबाब मैंने घर में रखे हैं और उसी को यूज़ करके एक शानदार मसालों वाली ग्रेवी में उसको पाव के साथ सर्व करेंगे। तो बताते ही बताते मेरे मुंह में आ गया है पानी, तो देर किस बात की करनी, चलिए मेरे साथ किचन में, लेट्स गो। तो सबसे पहले आपको मैं दिखा दूं कि जो हम ये चिकन बना रहे हैं, ये मैं जो फ्रोज़न सीख्स आती हैं वो यूज़ करूँगा। इसको पहले निकाल के रूम टेम्परेचर पर नॉर्मल कर लेते हैं और उससे पहले इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। तो जो ये चिकन है, ये हम अमूल बटर में बना रहे हैं और सबसे पहले इसमें खड़े मसाले जाएंगे। खड़े मसालों में ये देखिए जी, बड़ी बड़ी काली मिर्च, लौंग, इलायची, काली मिर्च थोड़ी सी और ये दालचीनी। तो पहले आज खड़े मसालों का यूज़ किया गया है। बटर में बना रहे हैं, बटर का ये यार थोड़ा स्ट्रीट फूड स्टाइल है इसलिए बटर में। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसको अच्छे से पका लेंगे। को हल्का सा पकने देते हैं। जैसे ही ये हल्का सा पके और स्ट्रॉन्ग खुशबू आने लग जाए आपको जिंजर गार्लिक की, तो इसमें हम हरी मिर्चें डालेंगे। मैंने 4-5 हरी मिर्चें छोटी छोटी काट के डाली हैं। ये देखिए, ये हरी मिर्चें ये इसमें जाएंगी। हरी मिर्चें हम शुरू में ही डाल रहे हैं। मैंने अराउंड 4 या 5 मीडियम साइज हरी मिर्चें और इसको ये तैयार कर लेते हैं अच्छे से। बढ़िया खुशबू आनी शुरू हो गई है। और जैसे ही ये हल्का सा पके, अब इसमें हम प्याज डालेंगे, बिल्कुल बारीक कटा हुआ या ब्लेंडेड, मैंने ब्लेंड किया हुआ है। 2 मीडियम साइज प्याज लिए मैंने। तो इस प्याज को इस जिंजर गार्लिक पेस्ट में अच्छे से मिक्स करना है, जब तक ये पूरा अच्छे से मिक्स ना हो जाए प्याज के साथ, जितना भी जिंजर गार्लिक है, तब तक इसको ऐसे ही लाते रहेंगे। अब ये जो प्याज का हम डाले थे ब्लेंड करके, ये अब गोल्डन ब्राउन से कलर का हो गया है, तो अब इसमें हम टमाटो प्यूरी डालेंगे। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप घर पे ब्लेंड करना चाहते हैं फ्रेश या ये रेडीमेड, मैं रेडीमेड वाली डाल रहा हूँ। रीज़न ये है कि लॉकडाउन है तो टमाटर की लाइफ वैसी होती कम, तो कम ही लाता हूँ बाज़ार से, और जो जहाँ पे ये चीज़ यूज़ हो सकती है वहाँ पे टमाटो प्यूरी यूज़ कर रहे हैं। तो ये टमाटो प्यूरी गई इसमें। अब इसको अच्छे से, जो ये प्याज का हमने मसाला तैयार किया है जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के, इसमें अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे कि पूरी टमाटो प्यूरी अच्छे से पूरे मसाले में मिक्स हो जाए। अभी तक हमने नमक नहीं डाला, अब इसमें नमक डालेंगे। नमक से पहले मैं थोड़ा सा पानी डाल दूं, ये अराउंड 50 ml पानी गया होगा इसमें। और अब इसमें नमक और ये लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी भी डाल देते हैं। तो अब इसको अच्छे से
जो ग्रेवी का हमने मसाला तैयार किया है, टमाटर, प्याज, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के इसको अच्छे से अभी पकने देते हैं। इसको 2-4 मिनट लगेंगे और हम इसको जितना टाइम देंगे पकने में, ये उतने ही बढ़िया फ्लेवर्स ग्रेवी में आएंगे। तो इसको अच्छे से पकने देते हैं। तो जो हमने टमाटो प्यूरी डाली थी वो अच्छे से ये मसाले में रच चुकी है। अब इसमें हम दूसरे मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले इसमें जाएगा धनिया पाउडर, धनिया पाउडर। उसके बाद हम इसमें जीरा पाउडर डालेंगे, ये गया जी जीरा पाउडर। थोड़ी सी हम इसमें, भाई हमारे घर में बड़ा चलता है, मेरी मम्मी कहती थी हर चीज में ना थोड़ी बहुत हींग डाल देते थे, तो इसमें गई जी हींग पिसी हुई। और अब हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल देते हैं थोड़े कलर के लिए, ज़्यादा तीखी नहीं होती लेकिन एक अच्छा कलर दे देती है। तो थोड़ी सी लाल मिर्च कश्मीरी वाली, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम। जो हमने मसाले डाले थे वो अच्छे से रच गए हैं। अब इसमें हल्का सा हम पानी डालेंगे क्योंकि ये कहीं नीचे लग ना जाए, बिल्कुल 10 ml 20 ml बस इतना कि नीचे जो पैन है पैन में लगे ना। और अब इसमें हम चिकन मसाला डालेंगे। तो चिकन मसाला अगर आपके पास नहीं है, किचन किंग गरम मसाला कुछ भी डाल सकते हैं आप, मेरे पास चिकन मसाला है। तो यहाँ गया ये चिकन मसाला और इसको अच्छे से अब इसमें मिक्स कर लेना है। तो मसाले अच्छे से इसमें एकदम रच चुके हैं। अब थोड़ा सा बटर और बटर के साथ ये मैं दही, आपके पास क्रीम है तो आप क्रीम यूज़ करिए, दही है दही यूज़ करिए, आई प्रेफर दही। क्रीम मुझे बहुत क्रीमी क्रीमी सा ज़्यादा पसंद नहीं है, तो आई प्रेफर, दैट्स व्हाई आई प्रेफर दही। तो दही डाल के इसको अच्छे से 2-4 मिनट मिक्स करके पकने दें। तो ये देखिए ये बढ़िया सा मसाला चिकन का एकदम तैयार हो चुका है और फुल ऑफ फ्लेवर्स है, खुशबू बहुत शानदार है, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ी सी मेहनत और है। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम थोड़ी सी इसको ग्रेवी बनाएंगे क्योंकि बहुत थिक है ये मसाला। तो इसमें जाएगा पानी अराउंड 100-150 ml मैंने इसमें पानी डाला है। थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे, और इसको थोड़ी देर पकने देते हैं। तो जो चिकन की ग्रेवी है दिस इज ऑलमोस्ट डन, और इसको अच्छे से काढ़ना है। जितना ज़्यादा ये कड़ेगा ना उतना बढ़िया ये ग्रेवी तैयार होगी। और ये जो ग्रेवी है ये जैसे तवा चिकन की ग्रेवी होती है बिल्कुल वैसे, आप देखिए काफ़ी थिक हो चुकी है। और इसमें मसाले आप तेज ही रखिए तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि स्ट्रीट फूड स्टाइल आपको फील आएगा। अब इसमें जो हमने कबाब से उसके छोटे छोटे पीस कर लिए हैं फ्रोज़न वाले, अब वो इसमें सारे डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए ये ऑलमोस्ट डन है। अब क्या करना है, इसके ऊपर कसूरी मेथी डालेंगे, और इसको 2 मिनट के लिए ढक के इसको पकने देते हैं।
स्लो आंच पे इसको ढक देते हैं और ये ऑलमोस्ट रेडी है। तो चिकन हमारा रेडी है, ये देखिए शक्ल देखिए, ओह है ना ऑसम। तो चिकन हमारा रेडी है, लेकिन अब इसके साथ हम पाव तैयार करेंगे। पाव के लिए मैंने तवे पे बटर ले लिया है, और अब इसमें बटर लगाएंगे। इसमें बस फर्क ये है, इसको बटर पे तो सेकेंगे सेकेंगे, साथ में जो ग्रेवी है चिकन की वो भी लगाएंगे इस पे। इससे क्या है, इसमें भी वो फ्लेवर्स रहेंगे पूरे। तो ये लगा के इसको अच्छे से इसमें ऐसे पकाना है। जो चिकन की ग्रेवी है वो ऐसे लगाइए और इसको फ्राई कर लीजिए। तो लीजिए, दिस इज रेडी। तो चलिए अब इसको एंजॉय करते हैं बटरी पाव के साथ। और ये देखिए, ये मैंने अपनी प्लेट सजा दी है चिकन सीख मसाला और पाव मसाले में, अच्छे से बटर लगा के तैयार, साथ में चटनी और प्याज। वाह, तो मेरा हो गया है डे सेट। अगर आपने भी अपना करना है डे सेट तो इसको अपने घर में बनाएं। और आई एम डैम श्योर आप अपना जो बाज़ार का फूड, अगर स्ट्रीट फूड मिस कर रहे हैं, ये खाने के बाद आपके अंदर की जो ज्वालामुखी है वो भड़कना थोड़ी कम हो जाएगी। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।